सोचा कि आज जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेंगे। जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए। फिर सोचा कि आज रात भर जाग के पढ़ाई की जाए, लेकिन कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तब पता चलेगा कि पढ़ना जरूरी था, लेकिन अभी तो थोड़ी सी देर मोबाइल चलाना भी जरूरी है, थोड़ी सी देर टीवी देखना भी जरूरी था, दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी था, एफबी इंस्टाग्राम टिकटॉक पर नजर मारना भी जरूरी है, शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी बहुत ही जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बड़े कामों को रोकने के लिए काफी है। ये बेवजह की चीजों को अपने जरूरी काम की लिस्ट से अभी निकाल दो बाहर, क्योंकि ये काम इतना जरूरी नहीं है आपकी लाइफ के लिए। तुमने इसे जरूरी बना लिया है, तुम्हें लत लग गई है इसका, इसीलिए इन सब चीजों से अगर थोड़ा टाइम मिल जाता आपको तो उस टाइम को आप पढ़ाई को दे देते हैं, इसीलिए आपका सक्सेस भी रुक जाता है। याद रहे हमेशा, सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम भी भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। कोई बात नहीं, सुबह नींद नहीं खुलती है तो रात भर मत सो। ठान लो कि आज का सूर्य उदय देखकर ही दम लूंगी, चाहे रात भर जागना पड़े रात भर जागकर पढ़ लूंगी मैं। जब तक मेरे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, ना खाना ना पीना ना सोना ना सोचना, क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तब पता ही नहीं चलेगा कब आपका ध्यान हट गया, आप भटक जाओगे, तो सोचना भी बंद करना है आपको। कब अपनी किताबों को बंद करके ख्यालों की दुनिया में खो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आप पछताओगे। जी हाँ, आप पछताओगे, आप खुद को कोसोगे कि मुझसे नहीं हुआ है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे नेगेटिव चीज आपके दिमाग में कभी नहीं लाना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको खुद से बोलना है कि मुझसे होगा ये, तुमसे होगा ये। दिन में 2 घंटे पढ़कर कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया आपने, दिन में 24 घंटे पढ़ना है आपको। अभी आप बोलोगे कि ये तो पागलपन है, 24 घंटे कैसे पढ़ाई करना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पाने के लिए पागलपन भी बहुत जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, साधारण लोगों की तरह काम करोगे, साधारण लोगों की तरह अगर टारगेट बनाओगे तो आपको साधारण ही रहना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में कोई ऐसा मुकाम ही नहीं है, ऐसा मंजिल नहीं है जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं सका। आप बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, माइकल जैक्सन जैसे आदि जितने भी सफल और इतिहास बदलने वाले लोग हैं इस दुनिया में, उनका लाइफ स्टोरी पढ़िए। वो लोग ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, बल्कि इन्होंने अपने मन में ये सोच लिया कि इस काम के लिए मैं ही बनी हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, और मेरा इस दुनिया में जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ। इनके इसी विश्वास से ये दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बना दिया इनको। दोस्तों, अगर आपने भी कुछ मुकाम लक्ष्य अपनी जिंदगी के लिए बनाया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी के सुने, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए आप जिद्दी बनिए, आप टूट पड़िए। इंसान जो भी चाहे कर सकता है, बस जरूरत है एक दृढ़ सोच की और कभी ना टूटने वाले हौसले की। और अपने मन में ये निश्चित कर लीजिए कि जब तक मैं ये लक्ष्य ना पाऊँ तब तक मैं दम नहीं लूँगी, किसी के रोकने से भी मैं नहीं रुकूँगी। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ये प्रयास का हिस्सा बने कि दूसरों को हौसला दे, दूसरों को सपोर्ट कीजिए उनके लक्ष्य पाने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, बस अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए।